हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन. इट इज चैप्टर नंबर 4, डिवीजन एक्सरसाइज 4.2. द क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2456 डिवाइडेड बाय 9. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 9 के टेबल से डिवाइड करना है 2456. तो सबसे पहले 9 का टेबल हम लिख लेंगे. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90. अब यहाँ पर हमें डिवाइड कैसे करना होता है. हमें यहाँ पे गिवन है 2456. 2 तो 9 से छोटा है, इसलिए अब हम क्या लेंगे, 24 लेंगे. अब हम चेक करेंगे क्या हमारे 9 के टेबल में कहीं पर 24 है. आप देख रहे हैं 24 कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में हमें 24 से छोटा नंबर लेना होता है. अब 24 से छोटा नंबर कौन सा, ये छोटा है नहीं, ये छोटा है नहीं. इस तरह से अगर आप चेक करते जाएंगे तो आप देखेंगे 18 इज स्मॉलर देन 24. 27 भी बड़ा है. नीचे से चेक करना है आपको, छोटा नंबर है ना, तो हमको क्या मिला, 18. तो हम सबसे पहले लेंगे 9 1 ज़ा 18. सब्ट्रैक्ट करा हमने, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल रहा है 4 में से 8 माइनस नहीं हुआ, 1 बोरो लिया, 14 माइनस 8 6, 1 माइनस 1 0. डिवाइड करने के बाद अब हम नेक्स्ट नंबर डाउन करेंगे. हमने डाउन किया 5. ओके, 5 डाउन करने के बाद अब हम चेक करेंगे क्या हमारे 9 के टेबल में 65 है. चेक कीजिए, नो, 65 तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर हमें. अब हम क्या लेंगे, 65 से छोटा नंबर. नीचे से चेक करेंगे, बिगर बिगर बिगर, यस, 63 इज स्मॉलर देन 65. हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. तो यहाँ अब हम टेबल लेंगे 7 टाइम्स और यहाँ लिखेंगे 63. इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 6 0. नाउ डाउन 6. ठीक है, 6 लिया हमने. फिर से हम चेक करेंगे क्या 26 9 के टेबल में हमारे पास कहीं पर है. नो, इट इज नॉट अवेलेबल. तो अब हम क्या लेंगे, 26 से छोटा नंबर. नीचे से चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, हमें यहाँ पर मिल रहा है छोटा नंबर 18. 27 भी बड़ा है, इसे हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, 2 ज़ा 18. अब ये 7 ज़ा के बाद हम 2 टाइम्स टेबल ले रहे हैं 18. सब्ट्रैक्ट किया, 1 बोरो किया, 16 माइनस 8 8, 1 माइनस 1 0. अब इसके आगे और सॉल्व नहीं हो पाएगा. क्यों सॉल्व नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारे पास डिजिट्स ख़त्म हो चुके हैं और 8 इज स्मॉलर देन 9, इसलिए इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमारा ये रिमाइंडर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन. इस तरह से हम लिख देंगे हमारा लास्ट में आंसर, क्वेश्चन इज इक्वल टू 172 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 8. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे मैंने सॉल्व किया है. आप इसे अपनी CW में नोट कर लीजिए. इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें भी 9 का टेबल यूज़ हुआ है. 9 का टेबल हमने यहाँ पर साइड से लिखा हुआ है, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 में हम चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में हम चेक करेंगे हमें 9 से डिवाइड करना है क्या 9 के टेबल में 67 है. आप चेक कीजिए यहाँ पर क्या आपको कहीं पर 67 दिखाई दे रहा है. नो, अब क्या लेंगे आप, 67 से छोटा नंबर. ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, हाँ, इट इज स्मॉलर देन 67. हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. तो यहाँ पे हम टेबल कितने टाइम लेंगे, 7 टाइम. 9 7 ज़ा 63, माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 6 0. डाउन किया हमने, डाउन करने पे हमें क्या मिला, 45. अब हम चेक करते हैं हमारे टेबल में क्या कहीं पर 45 है. चेक करें टेबल में, यस, 45 हमारे पास है. हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो अब हम टेबल लेंगे कितने टाइम, 5 टाइम्स.
45 के नीचे 45 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिल रहा है, 0 0। अब हमने डाउन किया 2, 2 इज स्मॉलर देन 9, यहाँ आगे हमारे पास और डिजिट्स भी नहीं है और 2 स्मॉलर आ गया 9 से, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर हम लिखेंगे 2 और हमारा क्वेश्चन हम लिखेंगे 75। ठीक है, इस तरह से 9 वाले क्वेश्चन कुछ और है यहाँ पे, वो भी आप देख लीजिए, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें 9 से डिवाइड करना है 7829 को। सबसे पहले हम 78 चेक करेंगे, क्या 78 9 के टेबल में है। टेबल हमारे पास लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कहीं पर आपको 78 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो अब हम क्या लेंगे, 78 से छोटा नंबर। अब 78 से छोटा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यस ये छोटा है। कितने टाइम्स में आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स में हमें 72 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 8 टाइम्स करके 72 लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 7 0, डाउन किया 2। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे टेबल में 62 है। देखिए 62 कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको, नो। तो 62 से छोटा नंबर लेंगे, ये बड़ा है, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, यस 54 इज स्मॉलर देन 62। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो अब हम टेबल लेंगे 6 टाइम्स, यहाँ लिखेंगे 54, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 4, नॉट पॉसिबल, 1 बोरो लिया, 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 5 0, डाउन 9, 89। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास कहीं 89 है, टेबल में हमें 89 दिखाई दे रहा है, नो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, स्मॉलर देन 89, 89 से स्मॉलर हमें क्या मिल रहा है, 81। 9 टाइम्स टेबल लेने पे हमें 81 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 9 टाइम्स टेबल लेंगे, 81 लिखेंगे, और 81 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 8 0। इस तरह से ये हमारा रिमाइंडर है 8 और हमारा क्वेश्चन आ रहा है 869। इसी तरह से जो 9 के टेबल के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम मैंने आपको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 9 का हमने फर्स्ट कर लिया है, 6 कर लिया है, 10 कर लिया है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 12 जिसे 9 से डिवाइड करना है। इसे आप अपने CW में सॉल्व करके मुझे फोटोग्राफ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम 5 का टेबल लिख लेंगे साइड से, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45, 5 टेन ज़ा 50। अब आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 5 के टेबल से डिविजिबल है। 8 टेबल में नहीं है लेकिन 8 से छोटा नंबर है 5, तो हम टेबल 1 टाइम लेंगे, 5 5 लिखेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल रहा है हमें, 3। अब हम डाउन करेंगे 2, ठीक है। 32 हम देखेंगे 5 के टेबल में, क्या कहीं पर 32 आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली 32 नहीं है टेबल में, तो क्या लेंगे हम अब, 32 से स्मॉलर नंबर, ये बड़ा है, ग्रेटर 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 एंड स्मॉलर, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो यहाँ पे अब हम टेबल लेंगे 6 टाइम्स और 30 लेंगे और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 5। क्या 5 के टेबल में 25 है, चेक कीजिए, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लेंगे 5 टाइम टेबल, 5 टाइम्स 25, सब्ट्रैक्ट किया 0 0। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 6। अगेन हम देख रहे हैं कि 6 5 के टेबल में नहीं है बट 6 से छोटा नंबर है 5, हाउ मेनी टाइम्स, 5 वन ज़ा 5, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, हमें मिला 1। नाउ वी आर गोइंग टू डाउन अ लास्ट नंबर 1,
11 5 के टेबल में नहीं है, लेकिन 11 से छोटा नंबर है हमारे पास 10, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम टेबल लेंगे 2 टाइम्स एंड 11 माइनस 10 1, इस तरह से रिमाइंडर हमारा हो रहा है 1, क्वेश्चन हमारा है 16512। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से सॉल्व करना है। अब जो 5 के टेबल वाले क्वेश्चन है कुछ और, वो भी मैं आपके लिए यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिवाइड करना है 5451 5 से। यही वाला टेबल हम यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट नंबर है इजीली वन टाइम में डिवाइड हो रहा है, 5 1 5 5 5 0, डाउन किया मैंने 4। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि 4 के साथ अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 5 पे एक साथ डाउन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 4 छोटा है, ये डिविजिबल नहीं है 5 से, तो पहले आप 5 का टेबल 0 टाइम लीजिए, 5 0 0, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपको अपना 5 डाउन करना है। अब हमारे पास हुआ 45। 5 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 5 के टेबल में आपको 45 मिल जाता है 9 टाइम्स में। तो हम 5 9 45 यहाँ पे लिख लेते हैं 9 टाइम्स, 5 9 45, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 5 0, 4 4 0, नाउ वी आर गोइंग टू डाउन 1। ठीक है, अब 1 जो है ये 5 से स्मॉलर है, इसके आगे और कोई डिजिट भी नहीं है, तो हम यहाँ से आगे और सॉल्व नहीं करेंगे। 1 हमारा रिमाइंडर होगा और हमारा क्वेश्चन होगा 109। ओके, इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते जाना है। एक और क्वेश्चन हमें 5 के टेबल से गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी 5 के टेबल से इसे डिवाइड करना है। 27591 को 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको दो टेबल यूज करके बता दिए। 9 के टेबल वाले 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए, 5 के टेबल वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए अब आपको एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।